हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंट्राडे ट्रेड एनालिसिस। और यहाँ पर देखिए निफ्टी यहाँ पर बहुत अच्छा मूवमेंट कर गया है डाउन साइड, ठीक है। और मार्केट ने यहाँ पर 18,000 का सपोर्ट भी निकाल दिया है, ठीक है। अगर मार्केट ने 18,000 का सपोर्ट निकाल दिया, मैंने आपको बोला था ये बेस्ट सपोर्ट है, अगर इसको मार्केट निकाल देता है तो बहुत अच्छी मूवमेंट बन सकती है मार्केट में, ठीक है। और यहाँ पर अभी हमारे पास कौन सा क्ल्यू बचा है मार्केट के पास, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ पर 18,000 के आसपास फिर से मार्केट यहाँ पर जाता है, ठीक है, 18,000 के आसपास ओपन होता है मार्केट यहाँ पर, तो मार्केट फिर डाउन साइड की मोमेंट ट्रेन करेगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अगर मार्केट इस रेंज को निकाल देता है ना 70,900 को, तो फिर मार्केट यहाँ सर रिवर्स बाउंस बैक नहीं होगा, फिर से मार्केट यहाँ पर डाउन साइड की मोमेंट करने के लिए स्टार्ट होगा, ठीक है। बट ये जो सीज़न है अभी 2022 का, तो पहले हमने देखे ब्रेकआउट फेल्स, मार्केट यहाँ पर ब्रेकआउट फेल्स नहीं हो सकता है, या तो मार्केट को फिर ऊपर की साइड ओपन होना चाहिए और मार्केट फिर यहाँ पर हमारे को बहुत अच्छी मूवमेंट दे सकता है, ठीक है। जो भी आप कॉल बाय करेंगे सेल करेंगे उसके लिए, तो ठीक है। अगर मार्केट यहाँ पर इस रेंज के पास ओपन होता है तो हमारे पास ट्रेड करने के लिए बहुत टाइम बचेगा, ठीक है। ट्रेड जल्दी से मत कीजिए, क्योंकि ट्रेड लेने के लिए थोड़ा सा वेट करें और वहाँ पे मार्केट साइडवेज जाएगा एक रेंज में, ठीक है। और वो रेंज कौन सी है, ठीक है, आपको पता है। देखिए 18,000 और 18,015, मार्केट इसके अंदर अगर इसके ऊपर निकल गया या इसके डाउन साइड निकल गया तो हमारे को यहाँ पर सेल करना पड़ेगा, इधर बाय करना पड़ेगा, ठीक है। ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई, 18,050 और 18,000, ठीक है। ये दो रेंज, इन दोनों के रेंज जिसको भी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करेगा तो मार्केट हमारे को मूवमेंट पता चलेगी, ठीक है। और सेकंड बात, अगर मार्केट यहाँ पर 900 के आसपास ओपन होता है और मार्केट यहाँ पर 70,915 के आसपास अगर मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट करता है तो मार्केट अपसाइड की मूवमेंट लेगा, ठीक है। और ये आप देखिए मार्केट यहाँ पर 400 के आसपास नहीं जा सकता, ठीक है। मार्केट अगर हमारे को देगा पॉइंट तो हमारे को इस पॉइंट पर देगा, ठीक है, डाउन साइड के। अगर मार्केट यहाँ पर पॉजिटिव ओपन होता है तो जल्दबाजी मत कीजिए ट्रेड लेने के लिए, ट्रेड लेने के लिए थोड़ा सा वेट करो, वॉच करो, उसके बाद ही ट्रेड लो। अगर मार्केट यहाँ पर 70 के आसपास जाता है, ठीक है, 18,070, और मार्केट वहाँ पर साइडवेज जाएगा तो फिर अगर कौन से साइड ब्रेकआउट देगा, या तो डाउन साइड या तो अप साइड, ठीक है। और आपको वॉचलिस्ट पर रखना है, दो कॉल रखो, एक रखो एक 18,015, एक रखो 18,015 का और सेकंड रखो एक 70,900 का, ठीक है। ये दोनों के अंदर ही मार्केट रहेगा और मार्केट 12:30 के बाद किधर मूवमेंट करेगा उस पर ध्यान रखो, ठीक है। और आपको कल मार्केट वॉच करना है, ठीक है, क्योंकि क्या है, एक्सपायरी है, एक्सपायरी कारण हमारे को सिर्फ वॉच करना होता है और हमारे को ट्रेड मिल जाता है, ठीक है। और आप ज़्यादा ट्रेड लेंगे तो लॉस ही होगा, ठीक है। कम ट्रेड लो, अच्छा पैसा बनेगा, ठीक है, मार्केट को वॉच करो, ओके। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।